दोस्तों, नींबू के पौधा की रिपोर्टिंग करने की बिल्कुल सही समय जो कि फरवरी महीना लग चुका है। इस समय क्या ज़्यादा ना गर्मी रहता है ना सर्दी रहता है, तो इस समय रिपोर्टिंग करने से अच्छा रहता है। और जो गर्मी में रिपोर्टिंग किया जाता है, तो रिपोर्टिंग करने के बाद कुछ जाड़े ऐसा होता कट जाता है, पूरी जाड़े आप बचा नहीं सकते। एक गमला से और दूसरे गमला में अगर रिपोर्टिंग करेंगे, कुछ ना कुछ जाड़े कट जाता है। तो गर्मी में क्या होता है कि वो पौधा सूखने के चांस रहता है। तो इस समय ज़्यादा ठंडी नहीं है, इस समय नींबू के पौधा के रिपोर्टिंग करने का बिल्कुल सही समय है और ना ज़्यादा गर्मी है। इस समय अगर कुछ जाड़े कट भी गए, तो आपका पौधा में कोई नुकसान नहीं होता, पौधा में पत्ता पौधा आपका सूखेगा नहीं ना कभी मरेगा। तो फरवरी में आप नींबू के पौधा के रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टिंग करते समय देखिए, हमारा जो छोटे गमला में था उससे हम निकाल लिए, निकालते समय वीडियो नहीं बना पाए हैं और कैसे निकाला जाते वो भी हम दिखाते लेकिन नहीं बना पाए, सॉरी। तो ये देखिए, हमने बिल्कुल आपका जो जो भी गमला में था बिल्कुल एकदम धीरे से निकालना है और मिट्टी सहित निकालना है। मान लो छोटा पतला जो जाड़े होता है दो कुछ कट जाएगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसीलिए फरवरी में लगाया जाता है। ये अगर रिपोर्टिंग हम गर्मी में करते, तो गर्मी में हमारा इतना जो भी गमला में था हमारा छोटा, तो उससे अगर हम रिपोर्टिंग करने के लिए निकालते, तो हमारा कुछ जाड़े काट जाता, तो पौधा हमारा सूखने के चांस रहता है। तो इस समय इसीलिए फरवरी में करें। आपको नीचे थोड़ा सा मिट्टी देना है, मिट्टी देने के बाद पौधा का आपका रखना कि सेंटर पे आ जाए और गमला में थोड़ा सा दो दो तीन इंची 2 इंची जगह रहे कि उसकी खाना वगैरह देने के लिए 2 इंची जगह रहे या पानी देने के लिए। तो 2 इंची जगह रख के आपका उसी हिसाब से नीचे कुछ गमला के नीचे थोड़ा मिट्टी दे देना है। मिट्टी आपको देने के बाद आपको बिल्कुल सेंटर पे रखना है बीचों बीच गमला के, जो कि पौधा देखने में भी अच्छा लगे और किनारे कोई लकड़ी के सहारे में उसको किनारे किनारे जो मिट्टी है उसको दबा देना, क्योंकि दबा इसलिए देना कि पौधा हमारा सेट हो जाए और पानी देने से इधर उधर हिले ना। अगर मान लो जो पौधा के साथ में जो मिट्टी लगा था वो अगर ये मिट्टी को हम दबा नहीं रहे कोई लकड़ी से, तो क्या होता है कि पानी देने के बाद हमारा पौधा इधर उधर हिल सकता है। तो लकड़ी से मिट्टी किनारे किनारे से देने के बाद, लकड़ी से दबा देने से मिट्टी हमारा टाइट हो जाता है, पानी देने के बाद भी हमारा पौधा नहीं हिलेगा। इसीलिए लकड़ी से आपको इसको बिल्कुल दबा देना है और जितना हो सके उतना दबाना है, क्योंकि जड़ इसके बाहर नहीं है, सब मिट्टी के अंदर ही है जो गमला से हम निकाले छोटे गमला से। तो ये पहले हमारा था 6 इंची का गमला में था, 6-7 इंची का गमला में, 6.5-7 ऐसे ही था। तो अब इसको हम चेंज कर रहा हूँ 10 इंची के गमला में। इसके बाद हम जब हमारा पौधा और बड़ा होगा तो हम फिर रिपोर्टिंग करेंगे, कम से कम 18 इंची 17-18 इंची गमला में करेंगे, ठीक ना। तो ये हमारा 10 इंची का गमला है, पहले हमारा 7.5 या 6 इंची का गमला था शायद, तो उसमें था, तो उससे हमने रिपोर्टिंग करा। और सबसे बेस्ट समय है रिपोर्टिंग करने का नींबू के पौधा का फरवरी महीना। और फरवरी महीने में अगर करेंगे तो पौधा में आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, पौधा आपका आराम से लग जाएगा। अगर गर्मी में करते तो प्रॉब्लम हो सकता है आपके पौधा में, ठीक ना। तो देखिए, हमने एक लकड़ी के सहारे में उसको किनारे किनारे मिट्टी हम बढ़िया दबा देंगे जो कि एकदम सेट हो जाए मिट्टी। तो इस पौधा में मिट्टी हमने क्या दी है आपसे बताते हैं। मिट्टी हमने दिए हैं जो कभी देखते हैं कि कुछ ऐसा जगह होता है, ऐसा एरिया हमारा घर के पीछे एक एरिया है, तो वहाँ से क्या हमने घर के पीछे एक एरिया है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ घास से देखेंगे आप, कुछ मिट्टी ऐसा होता है कि बढ़िया मिट्टी होता है, तो वहाँ पे घास वगैरह, क्योंकि रिपोर्टिंग करते समय आपको इसमें कोई खाद वगैरह कुछ नहीं मिलाना है, तो आपके पास अगर उस तरह मिट्टी नहीं है तो या गोबर के खाद मिला सकते हैं 50-30% और 70% आप मिला सकते हैं गार्डन सॉइल, ठीक ना। और बाकी कोई खाद वगैरह इसमें नहीं मिलाना आपको रिपोर्टिंग करते समय। तो हमारे पास जो मिट्टी था वो मिट्टी हमने कैसे लिए है, गोबर के पास इसमें नहीं मिलाया है, इसलिए नहीं मिलाया कि कुछ जगह ऐसा होता है कि घर के पास होता है तो उसमें देखेंगे आपकी घास वगैरह बहुत बढ़ जाता है बहुत तेज़ी से, मतलब वहाँ पे वो मिट्टी में इतना खाद है कि वो जो घास वगैरह होता है वो बहुत बढ़ता है, कोई भी पौधा है तो बहुत बढ़ने लगता है। तो हुआ के मिट्टी हमने लाए हैं, तो वो मिट्टी में हम लगा रहा हूँ, इसीलिए हमने ना गबत का डिकम्पोस वाला खाद लिए है ना गार्डन सॉइल लिए, हमने हुआ से सॉइल लाए हैं।
तो रिपोर्टिंग करते समय आपका अगर इस तरह सॉइल मिले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद आपका पौधा जब सेट हो जाएगा, जब फूल फल आने वाला होगा, और उसके पहले आपको इसमें देना पड़ेगा खाद वगैरह जो भी आप देते हैं, कंपोस्ट वगैरह, तो वो देना पड़ेगा। रिपोर्टिंग करते समय आपको इसमें मिट्टी में कुछ नहीं मिलाना है। अगर उस तरह मिट्टी आपको नहीं मिल रहा है जैसे हमने बताया, तो आपको देना है वही गार्डन सॉइल 70% लेना है, और आपका लेना है 30% गबर का खाद। तो इस तरह मिट्टी में भी आप लगा सकते हैं। तो मेरे पास तो मिट्टी ऑलरेडी मिला है, बना हुआ था, उसी मिट्टी में हमने लगा रहा हूँ। इसके बाद पौधा हमारा जब इसमें गमला में हमारा सेट हो जाएगा, तो इसमें जो भी हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं तो वो इस्तेमाल करेंगे। जो भी आप करते हैं ऑर्गेनिक तरह से करते हैं तो ऑर्गेनिक करेंगे। तो हमने क्या किया है, ये मिट्टी हमने जो लाया है, फिर एक बार बता दें, जहाँ पे देखेंगे आपका घर के आसपास में कुछ ऐसा जगह होता है कि वहाँ पे देखेंगे आप कुछ घास वगैरह बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और घास वगैरह बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि वो मिट्टी में खाद होता है, ठीक ना। वो मिट्टी में आपका बहुत अच्छा खाद होता है, तो वो मिट्टी से अगर रिपोर्टिंग करेंगे से सबसे बेहतर रहता है। तो वो मिट्टी कुछ अलग होता है, ठीक ना। वहाँ पे देखेंगे कुछ भी अगर फेंक देंगे तो जहाँ में आएगा बहुत अच्छा होता है, पौधा में बहुत तेज़ी से ग्रो होता है उस मिट्टी में। तो हमने वो मिट्टी में हमेशा करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो मिट्टी है। तो कोई भी पौधा हम रिपोर्टिंग करते हैं तो उसी मिट्टी में ही करते हैं, अलग से कोई मिट्टी नहीं लेते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप वही 70% आप लेना, और 30% लेना आप गोबर का खाद। अब इस तरह रिपोर्टिंग कर सकते हैं आप फेब्रुआरी में रिपोर्टिंग। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक, कमेंट और शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइबर नहीं किए, पहली बार मेरे चैनल पे है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे।